नमस्कार सब लोग, आज मैं ये वीडियो इसके लिए बनाने जा रहा हूँ और हिंदी में बात करूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इसके लिए हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। आज सवेरे 6 बजे, ज़िंदगी में 12 साल 15 साल कभी नहीं हो गया, सवेरे मुझे एक कमेंट आया। एक कोई तो बंदा था, उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा मैं, उसने डाला हाँ सुशांत सिंह आपके लिए वैसे आने वाला है, US को आने वाला है। पैरानॉर्मल रिसर्च टीम में और इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, बात नंबर एक। दूसरी बात ऐसी है, मैंने पहले ही लास्ट टाइम भी बोला था मेरे एक वीडियो में कि अगर आपको विश्वास रहेगा तो देखिए, नहीं रहेगा तो मत देखिए। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखना है तो देखिए, अगर बुरा लगता रहेगा तो अनसब्सक्राइब देख कर दीजिए। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूबर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर बहुत मेहनत लेता है। यूट्यूबर एक मेरे पास यूट्यूबर्स भी आते हैं। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एक प्रधान अर्चक हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूबर की बहुत ही इज्जत रखता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर होना इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल, इतनी ईजी बात नहीं है, इतने फॉलोअर्स इतने सब्सक्राइबर गेन करना है। कि यूट्यूबर एक क्रिएटिव वाली बात है और सभी यूट्यूबर्स को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, मन से रिस्पेक्ट देता हूँ। अभी वो मेरा टॉपिक, मतलब वो टॉपिक के ऊपर में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। वो इंसान को क्या जानते हो मेरे बारे में आप? आपने ये जो कमेंट डाला सुशांत सिंह राजपूत, जो भी बंदा है उसने मुझे बोला सुशांत सिंह राजपूत का जैसा आत्मा अमेरिका आने वाला है, आप मेरे साथ बात करने के लिए आ रहा, क्या जानते हो बेटे मेरे बारे में तुम? घर पे माँ बाप यही सिखाते हैं कैसे बात करना है, तू 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 करके बात करना यही सिखाते हैं। आई एम नाउ 35 ईयर ओल्ड, 36 हो जाऊँगा अभी, 40 की एज में हूँ। एज इज़ नथिंग बट अ नंबर, ये मुझे भी मालूम है। कितना जानते हो आप पैरानॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में और कितना जिंदगी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आपने किया है? कितना किया है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन? इक्विपमेंट के बारे में क्या मालूम है? पिंक नॉइस मतलब क्या, वाइट नॉइस मतलब क्या, फुल स्पेक्ट्रम कैमरा मतलब क्या, EVP रिकॉर्डिंग मतलब क्या? अगर उस किस्म का अगर मैं इंसान रहता तो यूनाइटेड स्टेट्स और UK में मुझे कोई खड़ा नहीं करता। अगर उस किस्म का मैं अगर इंसान रहता तो मेरे माँ बाप मुझे घर पे नहीं रखते, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। एक बात ध्यान में रखना, सुशांत सिंह राजपूत जो भी है हमारे प्यारे कलाकार, ये सबको मालूम है, डीपली इनसाइड वी ऑल नो, उनको नेपोटिज्म नहीं मारा है। और अभी जो कुछ मैं सभी यंगस्टर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो डे वन से वो लोगों को भाव नहीं देता हूँ, डे वन से मेरे को भाव देना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे घर पे या मेरे डिवाइन रूम में स्पॉट बॉय कैमरामैन ये लोग आते हैं, अपना प्रॉब्लम लेके, वो पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनके घर के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो डे वन से मैंने कभी ऐसे ना जो स्टार किड जो भी है वो जो आप बोलते हो, कभी भाव नहीं दिया उनको मैंने, ना किसी एक्टर को मैंने फॉलो किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो है, बुरा लगता है उनके बारे में, उनकी आज ऐसी मौत हो गई और नेपोटिज्म से ही हो गई, ये मुझे भी मालूम है। मैं खुद बोलता हूँ, आप जाना मत सलमान खान और वो लोगों की पिक्चर्स और मूवी देखने के लिए, ज़रूरत नहीं है हमें ये सब उन लोगों की। हम जनता है, हम डिसाइड करेंगे कौन सुपरस्टार होगा और कौन सुपरस्टार नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं जो मैं देखता हूँ, मॉडल्स हैं जो मेरे डिवाइन रूम में करियर के लिए आते हैं कि बाबा हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई करना है, और उन्होंने ये नाम लिए भी हैं। हो गया उसको 6 साल, हो गए 6-7 साल हो गए, तभी से जानता हूँ ये सब मैं। आपको तो आपके सामने अभी जो कुछ बच्चे हैं ना, उनके सामने अभी ये आ गया है कि ऐसा सब प्रॉब्लम चालू है। कुछ लोग जो है वो मुझे बोलते हैं कि बाबा हाँ वो स्पिरिट्स के स्टडी अलग होती है, डीमंस अलग होते हैं, डेविल्स अलग होते हैं, क्या मालूम है उसके बारे में? पढ़ाई करके यहाँ पे बैठा हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, सब अक्ल है, नॉलेज है, और मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा मुझे सब आता है करके। इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं,
और इतना होने के बावजूद मैंने कभी खुद को एक्सपर्ट नहीं बोला है आज तक, नाइदर प्रोफेशनल बोला है, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और मैंने पहले ही कहा है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक एक्सपेरिमेंट है, हमें सबको एक साथ आके सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देना है, एक जस्टिस देनी है उनको। वो नेपोटिज्म का शिकार है वो मालूम है मुझे, सबको मालूम है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी है, वी डोंट हैव प्रूफ। जब भी हम लोग कौड़ी प्रश्न या एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं ना, भगवान को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हाँ आप बताना, लेकिन ज़रूर हम प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ गिव बस आंसर, आंसर देना हमें, हमें चाहिए वो आंसर। मैंने तो कभी ये ना एक्ट्रेस को जो भी स्टार की है कभी भीख नहीं डाली ज़िंदगी में, और कभी डालूंगा मैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। और गलती हमारी पब्लिक की है, हम थिएटर जाते हैं स्टार किड की मूवी देखने के लिए, वो करण जौहर की मूवी देखने के लिए क्यों जाते हैं, क्या काम है उसका, उसकी मूवी क्या देखना, वो कितनी बदतमीज से बोल रहा है, बदतमीजी से बोल रहा है वो कि मैं मेरे फूफा को लूँ, चाचा को लूँ, काका को लूँ, मामा को लूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसे घटिया लोगों को सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। करण जौहर हिंदी में, थोड़ा सा मराठी में भी बोलूँगा, अरे आमचे बाप होते ना दादा साहेब फाळके, त्यांनी ही मराठी माणसांनी इंडस्ट्री काढली म्हणून तुमच्यासारखी लोक इकडे काम करतात येऊन, एक गोष्ट विसरू नकोस तू। हमारे दादासाहेब फाळके मराठी इंसान ने ये फिल्म इंडस्ट्री निकाला, लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा बोला नहीं, अरे तू बिहारी है, अरे तू गुजराती है, अरे तू पारसी है, अरे तू मुस्लिम है, तू आना मत, मैं बोलता हूँ सब साथ में आना, क्रिएटिविटी शेयर करेंगे। लेकिन ये जो घटिया बॉलीवुड है ना, ये अपने बच्चों को ही चांस देता है। पैरानॉर्मल रिसर्च मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, घोस्ट हंटिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ। मेरे घर आपको मालूम नहीं रहेगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो एक बात ध्यान में रखना, कमेंट सेशन में कमेंट्स मत डालना। अगर आपको डिबेट करनी हो, डिबेट तो मैं करता भी नहीं हूँ, मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। और बाहर ही दूसरी बात, अगर आपको मेरे साथ कोई भी चर्चा करनी है तो खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज होना चाहिए। मैं हमेशा देखता हूँ आप इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्च के, बहुत सारे इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनके आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, मजाक करोगे, अरे भूत इंग्लिश बोलता है क्या, तेरे को क्या मालूम है भूत इंग्लिश बोलता है हिंदी बोलता है। भारत के ऊपर 200 साल ब्रिटिश लोग ने हमारे ऊपर राज था, तभी से ये सब हो रहा है, फ्रीडम फाइट हो रही है। और एक बात ध्यान में रखना, स्पिरिट एक गुड माइंड रीडर है, एक आप भूलना मत। आप अपनी कोड लैंग्वेज भी निकालोगे ना तो उसमें भी आपको आंसर मिलेगा। क्या मालूम है स्पिरिट वंडर बॉक्स के बारे में, ईवीपी रिकॉर्डर्स के बारे में, नाइट कैमरा के बारे में क्या मालूम है, स्पेक्ट्रम कैमरा के बारे में क्या मालूम है, आयर कैमरे के बारे में क्या मालूम है आपको, बताइए जरा मुझे। नॉलेज रहेगा ना तो कमेंट बॉक्स में डालना। आइंदा कभी कुछ कमेंट वगैरह किया ना तो उल्टा सुल्टा नेस्टी कुछ भी डाला ना, सीधा निकाल दूंगा मैं, डिलीट कर दूंगा, मेरे को चाहिए नहीं। और मेरे सब्सक्राइबर जीरो हो गए ना, मेरे को 2 रुपये का फर्क नहीं गिरता है। मजाक बना के रखा है क्या, कोई भी किसी को भी पकड़ोगे, नहीं पसंद है मत देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ वो जरा ठीक से सुनना। मैंने बोला आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं प्रश्नम के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो भगवान और इंसान के बीच में है। अभी भगवान को क्या ज़बरदस्ती करें क्या हम लोग, वो रिचुअल्स रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहता है बहुत। टिकटॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाने के लिए बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे जो बैठता हूँ ना डिवाइन रूम में, टिकटॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाने के लिए बैठता हूँ। तो आपकी जो वो टिकटॉक वाली अक्कल है ना अपने पास रखना, इतने साल का रियाज है मेरा और आज भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट है, यही क्वेश्चन मैं आगे चल के फ्रेम करने वाला हूँ। प्रश्नम के बारे में क्या मालूम है, कौड़ी प्रश्नम कितने जानते हो आप लोग आज के यंगस्टर्स? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई ऑलरेडी सेड दैट एक्सपेरिमेंट चालू है और कुछ ना कुछ तो चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो बंदे को ना नेपोटिज्म ने ही मारा है। यहाँ पे ना ये बात अभी आपके सामने आई है 6-7-8 साल पहले,
ये बात है ना, मैं 25 साल से जानता हूँ बॉलीवुड में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, किस हिसाब से लोगों को ऑडिशन के समय किस हिसाब से पार्शियलिटी की जाती है। अचानक बोल देते हैं अरे ये फिल्म से आपको निकाल दिया है, अभी आपको ये फिल्म मिलेगी नहीं क्योंकि आप हमारे प्रोजेक्ट में नहीं बैठते हैं, रातों रात डील कैंसिल हो जाती है, सब मालूम है मुझे। ये अभी क्यों बाहर आ रहा है मालूम है, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब इसके वजह से, उनकी वैसे प्लेटफॉर्म है इसके लिए बाहर आ रहा है। हमारे ज़माने में जब भी, हमारे ज़माने में तो इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारे ज़माने में जब भी हम लोग घर पे जब भी सब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए बैठते थे, मतलब जो भी शूट वगैरह होते थे, तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं थे, तभी रिकॉर्डर बहुत महंगे आते थे और तभी इतना नहीं था कि बाबा सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया की बाबा आए बताए। आजकल सब इजी हो गया है, उसका हम लोग को फ़ायदा उठाना है। ये सुशांत सिंह राजपूत जो है ना हमारे प्यारे कलाकार, उनको मारा गया है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है, हर इंसान को मालूम है, चाहे वो कोई भी बंदा हो कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, ये सबको मालूम है। पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जो सबसे बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है वही है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, यही मुझे बुरा लगता है। क्या सिंपल है क्या, अगर सबको अगर ये प्रश्नम विश्नम करने आता था, प्रश्नम करना आता था, तो सब लोग कौड़ी प्रश्नम करने के लिए बैठते थे ना, सब लोग होते थे, उतना रियाज रहता है हमारा। और जिसको बिलीव है वो ही देखे, जिसको बिलीव नहीं है मत देखना। लेकिन मुझे जितना आता है, जितना मुझे एजुकेशन है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं पूरी नॉलेज लगाने के लिए रेडी हूँ। शायद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी ना हो, लेकिन मुझे एक अच्छा लगेगा दिल में, भाई मैंने ट्राई की, कोशिश किया मैंने, ये वीडियो उनके लिए बनाया हूं। जो सवेरे आज मुझे एक कमेंट आया और मेरे कोलंबस पैरानॉर्मल से मुझे कॉल आया, दे हैव ट्रांसलेटर, उन्होंने बोला कि ये बंदे ने आपको ऐसा ऐसा करके कहा है। क्या उम्र होगी उसकी, 30-24 साल का लड़का ही शायद ऐसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके बातों में इमैच्योरिटी थी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 30-24 साल के बच्चों को इमैच्योरिटी होती है, बहुत सारे मैच्योर्ड है, लेकिन वो जो परसेंटेज है ना बहुत कम हो चुका है, अक्ल नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सामने वाले का उम्र देखो आप, आपसे 12-14 साल से बड़ा है। घर पे भी क्या माँ बाप के साथ ऐसे ही बात करते हो आप, मालूम है जो बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के बारे में कि भूत इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, मराठी समझ में नहीं आएगा। कितना पढ़ाई किया है पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में, मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सच में यह सब सीखना है ना तो मुझे कॉल करना, फ्री एडवाइस दूंगा, पैसे नहीं लेता हूं ये सब चीजों के। मैं चाहिए तो डिवाइन रूम में भी आ जाओ, फ्री बताऊंगा। अगर नॉलेज हो तो ही बोलना, नॉलेज नहीं हो तो मत बोलना। मुंह अपना जो गटर है ना वो उसके ऊपर ढक्कन लगा के ही बैठना। यहाँ हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, मैं मेरी नॉलेज लगा रहा हूँ, मेरी एजुकेशन लगा रहा हूँ, ये पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, समझे। यहाँ पे जो भी बैठा हूँ, जो काम करने के लिए बैठा हूँ, मैं मेरी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हो सकता है क्या, मैंने ऐसा नहीं बोला ना होगा ही, होने वाला ही है, ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा हो सकता है क्या। मुझे अगर ऐसे आंसर्स मिले तो मैं भी चाहता हूँ किस उसके तरफ से कुछ तो कम्युनिकेट हो, हमें उसके जो पिताजी है उनको भी न्याय देना है, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी उनको भी न्याय देना है। जरा है ना, आपको अगर कुछ मालूम नहीं रहेगा किसी फील्ड के बारे में तो पहले काम करना, सीखना, उसका रियाज करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और उसके बाद डिस्कशन के लिए आना कमेंट में। मजाक बना के बैठा है हर पैरानॉर्मल रिसर्चर इंडियन, खास करके इंडियन, उनके पेज के ऊपर जाओगे मजाक उड़ाने को उनका चालू करोगे, नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, पसंद नहीं है तो मत देखना, सीधी सी बात है। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टू कमेंट बिमेंट करना, ये सब करना, क्या इससे क्या मिलने वाला है आपको, तो क्या उखाड़ा आपने कमेंट डाल के, डिलीट हो गया वो।
मैंने मेरा कमेंट बॉक्स पूरी तरह से जो भी है मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, कोलंबस की टीम मॉनिटरिंग करती है, उसके बाद अभी होगा जो भी होगा वो। और जब भी बात करोगे ना तो एक मन में लाना कि बाबा हम लोग से बंदा 12 साल या 14 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। एक उम्र का ना एक जो बोलते हैं ना डिसिप्लिन मैनरिज्म्स रखना जब भी आप कमेंट करते हो। प्रॉब्लम है तो मत देखना, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पैरानॉर्मल रिसर्च टीम में, घोस्ट हंटिंग में, एक्सोर्सिस्ट हूँ, एक प्रधान अर्चक हूँ। आपको मालूम है कितने जन को मालूम है प्रधान अर्चक का रोल क्या रहता है, प्रधान अर्चक क्या काम करता है, कितने जन को मालूम है आपको? कोई भी राज दरबार में ना प्रधान अर्चक को पहले सवाल पूछते हैं। कोई भी राजा रहेगा ना, एम्परर भी होने दो, पहले प्रधान अर्चक को पूछेगा। वो गुरु स्वामी रहता है तो गुरु स्वामी को पूछ के ही वो पहला स्टेप लेगा, भले वो वॉर हो, राजपाट हो। हमारे धर्म में प्रधान अर्चक को, कोई भी धर्म हो, इंसानियत धर्म पहला होता है, प्रधान अर्चक जो भी हो ना वो राजा के भी ऊपर होता है। ये ना बात ध्यान में रखना आप, ये अभी बहुत जन को मालूम नहीं है, जरा जाके चेक करना। प्रधान अर्चक मतलब चीफ प्रिस्ट होता है वो, उसको गुरु स्वामी करके बोलते हैं। गुरु स्वामी के साथ अगर बात करने की तरीका आपको अगर नहीं आता है तो समझ गया मैं आपकी क्या। यहाँ पे सब है ना आलू वगैरह भरा है आपके, सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में हम खड़े हैं। मुझे मालूम नहीं और मेरे साथ कौन पैरानॉर्मल इंडिया का को जो भी खड़ा है मुझे वो मालूम नहीं, ज़रूर खड़े हो जाएंगे वो, मुझे पूरी आशा है। लेकिन इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री में मैंने वो बात रेज की, मैंने बात करना चालू किया। उन्होंने वो तो नहीं जानते थे बहुत सारे लोग, लेकिन उनको मैंने बताया, वीडियो भेजे कि ये हमारे ना सुशांत सिंह राजपूत है तो उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, ने उनको मार दिया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि ऐसा होने वाला है। हम लोग बोलते हैं ना नसीब में तो भगवान भी हाथ नहीं डालते। हमारे एक यहाँ पे ना एक पेटेंट वो एक सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि वीडियो भेजना, मैंने वीडियो भेजी उनको, कोलंबस को भेजी, ट्रिनिटी को भेजी, उसके बाद गोस्ट हंटिंग यूके को भेजी। जब भी उन्होंने वीडियो देखी ना, मिलियंस देखे ना, 45 मिलियंस, 50 मिलियन, उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत बड़ा बंदा है। मैं बोला एकदम जबरदस्त एक्टर थे वो हमारे लिए, और आज भी है और हमेशा रहेंगे। अगर मैं कुछ इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री के साथ बात करता हूँ, बड़े स्तर के ऊपर जाता हूँ, इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री है ना बॉलीवुड को ना 100 के 1000 बार खरीदेगा, इतना पैसा है उनके पास, हॉलीवुड के साथ उनका उठना बैठना है। मेरा अगर आवाज़ वहाँ तक जाता है और वो लोग मेरे लिए वहाँ की साइकिक मीडियम मेरे लिए अगर मदद करते हैं तो गर्व की बात है ना, एक इंडियन को मदद कर रहे हैं वो। तो मैं आस्किंग हेल्प के लिए पूछ रहा हूँ ना, अक्कल नहीं है क्या? एक कुछ जन को मजाक करने के लिए कमेंट बॉक्स में आते हैं, जैसे अमेरिका में सुशांत सिंह आ जाएगा। अरे वो आएगा या नहीं आएगा वो भगवान जाने, लेकिन वो लोग मुझे मदद कर रहे हैं ना। एक मेरी आवाज़ के ऊपर इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री खड़ी हो गई क्या? ये तो स्क्रीनशॉट भी डाल दूं अभी रातों रात, ये जो आँख के नीचे जो काले काले जो ये जो मार्क हो गए ना, ये रात रात वो यूएस और यूके में मेरा चैटिंग होता है, मैं हमेशा उनके साथ बात करता हूँ। ये तीन जब से वो गए हैं हमारे सुशांत सिंह राजपूत, तब से हर रात को हमेशा ये पैरानॉर्मल रिसर्च के साथ और साइकिक मीडियम्स के साथ मेरी बात होती है कि कुछ तो कीजिए, कुछ तो रिसर्च कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए, अपना तौर तरीका लगाइए, जो कैथलिक में होता है वो बताइए, मैं हिंदू धर्म से जो भी है प्रोसेस अलग रहेगा, सोच एक ही है। हम लोग यहाँ पे हार्डवर्क करने के लिए बैठे हैं और जो मेरी एजुकेशन है वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। अगर मेरे एक बात के ऊपर मेरी इतनी रिस्पेक्ट अगर वो लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए अच्छी बात है ना। इंटरनेशनल पैरानॉर्मल रिसर्च टीम अगर हमारे लिए अगर आती है, उठती है और बात करती है तो यूएस है साथ में, यूके है, नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलियन लोग है। उन्होंने मुझे झट से कहा यस वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम आपको जरूर मदद करेंगे, और उन्होंने काम स्टार्ट भी किया। गलत किया क्या मैंने? उनसे मदद ले रहा हूं और उनकी एडवाइस ले रहा हूं तो गलत किया क्या हम लोगों ने?
अच्छी खासी दोस्ती हो उनके साथ, कि आप नहीं चाहते इंटरनेशनली ये मुद्दा रेज हो, होना चाहिए नेपोटिज्म के खिलाफ। उन्होंने तुरंत मुझे रॉबी विलियम्स की, जो उनके है थे एक ज़माने में, जिन्होंने मेरे हिसाब से जुमानजी में वगैरह उन्होंने काम किया है, उन्होंने भी वही केस हमारे साथ स्टडी की, उनको मैं मदद करता हूँ, मैं उनको मदद करता हूँ। शेयरिंग सिस्टम रहती है पैरानॉर्मल, इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री में। और ये ना बात सुनना, ये इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है ना, इतनी सी है इसके सामने, कितनी इतनी सी, ये इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री जहाँ पे मैं सर्वाइव करता हूँ हॉलीवुड के साथ, उनका उठना बैठना है वहाँ पे। वो लोग गाइडलाइन देते हैं हॉलीवुड जब भी मूवीज बनते हैं ना, तो वो इंटरनेशनल यूएस के जो पैरानॉर्मल एजेंसीज है ना, उनको साथ में लेते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे कुछ लौंडे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ के मजाक करने के लिए आते हैं कमेंट्स में, खुद तो जिंदगी में कुछ है नहीं, माँ बाप आईफोन दिला के देते हैं तभी बंदा चार दोस्तों में बैठ के बताएगा, शो शाइनिंग मारने के लिए बैठेगा। मैं सभी जनरेशन को, यंग जनरेशन को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बुरा लगता है बहुत। बहुत सारे यंग जनरेशन जो है आज के, वो जो अच्छी बात सोच रहे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। 100% में से 30-40% जो यंग जनरेशन है वो अच्छी काम करिए, बाकी के ये 70-60% यही कमेंट बॉक्स में जाने का, मजाक उड़ाने का। इनफैक्ट आपको खुशी होनी चाहिए कि कोई तो एक इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर है जिसकी बात में एक बोलते हैं ना वजन है, और इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्रीज को मदद कर रही है विद द हेल्प ऑफ फोन कॉल, मैसेंजर्स कॉल, स्काइप कॉल। अच्छी बात है ना, अच्छा लगना चाहिए ना भाई, एक इंडियन को एक है, दूसरा भी कोई इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर रहेगा और उसको कोई अमेरिकन अगर मदद करता रहेगा, अमेरिकन पैरानॉर्मल रिसर्चर या वहाँ का साइकिक मीडियन, इंटरनेशनल ग्लोब अगर मदद करते रहेंगे तो अच्छी बात है ना। प्रश्नम के तौर तरीके होते हैं, अगर मालूम नहीं रहेगा तो पहले सीखना और उसके बाद चर्चा के लिए आना। सवेरे 6-7 बजे उठने का, अचानक मन में आया टाइप करने को चालू करने का, बंदा जो गया है वो नेपोटिज्म के वजह से ही गया है, डीपली इनसाइड सबको मालूम है। मुझे भी, मैं भी वो स्टेटमेंट बाय करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगली ट्रूथ है कि हमारे पास सबूत नहीं है, जो मुंबई पुलिस काम कर रही है वहां पे, मैंने यहाँ पे किसी चीज की गारंटी नहीं दी है, मैंने बोला है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर ये कोई बाहर गांव का करता था बंदा एक्सपेरिमेंट, हाँ तब चलता था आपको, फॉरेन का कोई बंदा करता था, ऑस्ट्रेलियन होने दो या कोई भी होने दो, तो चलता था आपको। इंडियन का कोई करेगा ना तो गंध यहाँ से ही स्टार्ट होती है, नेपोटिज्म हो गई एकदम हायर लेवल की बात, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। जो कोई इंडियन आ गया काम करने के लिए आ गया, तो ऐसे जो लौंडे चपाटे होते हैं ना, वैसा मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। यू शुड प्राउड फील करना चाहिए कि नहीं हमारा कोई तो इंडियन आदमी काम कर रहा है इसके ऊपर। सक्सेस नहीं मिले चलो ठीक है, 10 बार गिरूंगा, 12 बार गिरूंगा, 13वीं बार 14वीं बार तो उठ के खड़ा हो जाऊंगा, कुछ तो हाथ में आएगा। अरे आज मुझे हर चीज़ की एक बोलते हैं ना फक्र है इस बात का कि मैंने ट्राई किया कम से कम। आपने क्या किया, सवेरे उठ के कमेंट किए, मजाक बना के बैठा है हर चीज़ को, मजाक, टाइम पास करने का, कमेंट डाल देने का हो गया, चलो खुद तो कुछ घर पे बैठ के करने का नहीं। मैं आऊँ क्या, मैं बोलूँ क्या पर्सनली आपको, ऐसे लोगों को जो उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं, बोलूँ मैं? माँ बाप कमाते तभी आप खाते हो, बोलूँ ऐसा मैं? मुझे अगर अधिकार नहीं है ना, तो आपको भी अधिकार नहीं है। तिकड़े आई बाप कमवता है आणि या कार्टेलला आयफोन हवा आहे का, टिकटॉक वरती व्हिडिओ बनवायचे आहेत, अजून काही लोकांना अक्कल नाही आली आहे टिकटॉक की, अभी तक अक्कल नहीं आया है। टिकटॉक जो भी है वो हमको निकाल देना है, डिलीट कर देना चाहिए। जो चीज़ें हम लोग ने खरीदी थी
जो चीज़ें हम लोग ने चाइना से खरीदी, चलो हो गया, मैंने भी खरीदी, मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, तभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वॉर की सिचुएशन नहीं थी हमारे वो लोगों के साथ। हमारी मोबाइल की बैटरीज होती है वो भी चाइना से होती है, वो सब खरीदी, ठीक है, वो गलती हो गई, मैं बोला, मैंने भी गलती की, मैंने ऐसा नहीं बोला मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन आज से, अभी से, और जब से वॉर चालू हो गया ना, तब से चाइना का आइटम ही बंद कर दिया। अमेजोन वालों के साथ, अमेजोन इंडिया के वालों के साथ भी मेरा झगड़ा हो गया, उसकी वीडियो मैं कभी फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन पैरानॉर्मल चैनल के ऊपर नहीं बनाऊंगा, जब भी कभी व्लॉग निकालूंगा तभी बनाऊंगा, लेकिन जब से वॉर हो गया है ना स्टार्ट, तब से मैं भी नहीं खरीद रहा हूँ, 2 महीने हो गए उसको। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बोलता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम सभी को बहुत दुख है, जो भी हो गया वो, और वो डीपली इनसाइड वी ऑल नो, नेपोटिज्म ने ही उनको मारा है, लेकिन प्रश्नम के जो प्रोटोकॉल होते हैं हम लोग को वो उस हिसाब से जाना पड़ता है जो कुल स्वामिनी के सामने किए जाते हैं। और रही बात, लास्ट बात, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं, बहुत ही सालों से कर रहा हूँ, तो इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ मैं, अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ। जिनको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, घोस्ट हंटिंग, उसके इक्विपमेंट की बारे में अच्छी जानकारी नहीं हो तो मेरे से डिस्कशन करना करने के लिए मत आना, क्या होगा मालूम है, आप कमेंट डालोगे मैं उड़ा दूंगा, सिंपल सी बात है। कोलंबस पैरानॉर्मल टीम जो है ना मॉनिटरिंग कर रही है, वो उड़ा देगी। क्या मिला आपको, मतलब आपने बक 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 किया, यहाँ से खटाक उड़ा दिया हम लोगों ने, कुछ फ़ायदा हो गया क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो गया। मुझे कोशिश करने दीजिए, और अगर मेरे एक बोलने से अगर इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री खड़ी होती है मेरे लिए, और मुझे हेल्प कर रहे हैं वहाँ के लोग, एजेंसीज अगर हेल्प कर रही है यूएस की और यूके यूके की, तो अच्छी बात है ना, बुरी तो बात नहीं है ना। जाता हूँ मैं अभी, और ध्यान में रखना, मुझे कमेंट्स अगर करने हो तो सपोर्टिंग वाले कमेंट्स चाहिए, मजाक वाले अगर रहेंगे, डिस्कशन होगी तो हेल्दी डिस्कशन होगी, इमेच्योर टॉक करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, आपके लिए अच्छा है। जो जो कमेंट करते हैं ना, नेस्टी कमेंट्स करते हैं ना, आपके लिए अच्छा है, आपको किसी ने कमा के दिया है, मेरा वैसा नहीं है, मुझे हर महीने ना घर खर्चा देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है, हाँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैठ के काम करता हूँ। जब महीने की 7 तारीख आती है ना, तो घर में माँ बाप को खर्चा देना पड़ता है, घर का खर्चा उठाना पड़ता है, ये ड्यूटी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ मैं किसी के ऊपर, लेकिन ड्यूटी कर रहा हूँ। आपके जैसे नहीं है, फ़ोन ला के दिया, इस्तेमाल किया, 1 साल हो गया, दूसरा फ़ोन लाया, इस्तेमाल किया, जैसे आप नहीं चाहते हो ना मैं आपके पर्सनल चीज़ों के ऊपर आऊँ, आप भी यहाँ पे पर्सनल चीज़ों के ऊपर मत आना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो देखना, अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना बात को। पैरानॉर्मल के बारे में नॉलेज हो तो ही बात करना, गरज नहीं है कोणाची माला।